हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इथेरियम गेमिंग। मेरा नाम है अंकित। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने माइनिंग अपडेट के बारे में। जैसे कि सामने आप मेरे देख रहे हो, ये है 1660 Ti की रिग है। यहाँ पे 5 कार्ड लगे हुए हैं इस रिग के अंदर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी, मैं 9th hash पे माइन कर रहा हूँ बेसिकली बिटकॉइंस, और ये वाली जो रिग्स है ये मैंने लगाई हुई हैं सारी 9th hash के ऊपर। 9th hash के बारे में मैं आपको सारी अपडेट के बारे में बता देता हूँ, पर इन सब का जो पूरा सेटअप है अभी यहाँ पे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये HiveOS है, HiveOS के ऊपर सारा इस वक्त रन हो रहा है। दोनों कार्ड, सारे कार्ड जा रहे हैं मेरे पास अभी फिलहाल। बट जैसे मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे पास जो रिग है, ये वाली जो रिग है स्पेसिफिकली, ये वाले जो 2 कार्ड हैं इन दोनों में प्रॉब्लम आ रही थी। ये वाली जो रिग है मेरे पास, ये है RX 580, 8 GB का कार्ड है, और ये वाला जो कार्ड है ये 1660 Ti है Zotac का। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये आई है कि पहले ये वाला कार्ड मैंने इस रिग में लगाया हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बेसिकली कार्ड लगा हुआ था इस साइड पे, बट यहाँ पे ये बंद हो गया था चलना है। बीच में फ़ैन एरर दे रहा था मेरे को, तो मैंने इसको इस मदरबोर्ड के अंदर डायरेक्टली PCIM में मैंने प्लग कर दिया था। इसके बाद भी ये वाला जो कार्ड है ये चल नहीं रहा था, लेकिन ये थोड़ी देर में स्क्रीन पे या फिर HiveOS के अंदर रेट हो जाता है। ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही है, बट उसके बाद भी ये स्टेबल नहीं है कार्ड। थोड़ी थोड़ी देर में ये कार्ड बंद हो जाता है। फ़ैन इश्यूज आ रहे हैं इस कार्ड के अंदर, तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, नहीं तो इसको मैं सर्विस सेंटर या फिर दिल्ली में नेहरू प्लेस में इसको लेके जाएंगे और चेक करवाते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस कार्ड के अंदर। बाकी यहाँ पर भी रिग लगी हुई है, यहाँ पर भी 2 1660 सुपर है या फिर 1660 Ti है, दोनों में से कुछ कार्ड तो है यहाँ पे। इसमें पावर सप्लाई 850 वाट की यहाँ पे ये रखी है, ये पावर सप्लाई मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सीधा मैं आपको अब लेके चलता हूँ HiveOS की स्क्रीन के ऊपर, जिसमें आपको सारी अपडेट्स के बारे में पता चल जाएगा एग्जैक्टली HiveOS के ऊपर क्या सेटअप आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे अब HiveOS पे आ गए हैं। HiveOS पे बेसिकली सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, ये कार्ड चल रहे हैं मेरे। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये देखो ये वाला कार्ड के अंदर, जो कि बेसिकली GTX 1660 Ti कार्ड है, यहाँ पे इसका फ़ैन ज़ीरो हो जाता है और यहाँ पे मेरे को बेसिकली एरर आ जाता है, ये फ़ैन एरर। इस रिग में ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी 5 कार्ड की जो रिग है वो ये रही, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5 कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पे हैश रेट भी आप चेक कर सकते हो, ये हैश रेट आ रही है मेरे को टोटल यहाँ पे 69.69 की टोटल मेरे को मेगा हैश रेट दिखा रहा है। अब मैं आपको 9th hash पे लेके चलता हूँ, 9th hash पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्टली क्या अपडेट चल रही है। तो ये 9th hash की स्क्रीन है अभी। 9th hash पे मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल जो मैंने अभी लास्ट वीक में बिटकॉइन माइन करे थे। मैं वीकली अपडेट पे चला जाता हूँ इसके अंदर, हिस्ट्री में मैं जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे वीक में जाना है मुझे, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मेरे को 271 का पे आउट मिल रहा है, आप देख सकते हो ये रहा 271 का मेरे को पे आउट यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि 24 आवर्स के अंदर मिल रहा है। और ये नीचे आपको सारे पे आउट दिखा रहा है बिटकॉइन के अंदर, जो इन्होंने मेरे को पे आउट दिए। सो ये 9th hash के ऊपर बेसिकली अभी सारी चीज़ें दिखा रहा है। और ये वाली जो अपडेट मैं डाल रहा हूँ वीडियो, ये 11 दिसंबर को मैं डाल रहा हूँ बेसिकली। इससे लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी वो 6 दिसंबर को मैंने डाली थी। बाकी लास्ट एक वीडियो में मेरे से एक व्यूअर ने कमेंट में पूछा है कि एग्जैक्टली आप माइनिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो माइनिंग को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली
थोड़ा सा बजट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मदरबोर्ड है वो भी अराउंड 20-22 हज़ार रुपये का आपको मदरबोर्ड पड़ रहा है अभी। और अगर आप 1050 Ti ग्राफिक कार्ड लेते हो तो 1050 Ti ग्राफिक कार्ड भी फ्लिपकार्ट के ऊपर या फिर अमेज़ॉन के ऊपर 13 हज़ार रुपये या 13.5 हज़ार रुपये दिखा रहा है। इसके साथ साथ पावर सप्लाई और PCI केबल्स का आपको अलग खर्चा पड़ सकता है। तो ये अगर आप माइनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ये अकॉर्डिंगली आप अपना बजट बना सकते हो उसके अकॉर्डिंगली। दूसरा था कि 1060 Ti की सेटिंग्स आप कैसे चेक कर सकते हो, 3060 Ti की आप सेटिंग्स कैसे चेक कर सकते हो। तो 3060 की सेटिंग्स को चेक करने के लिए, एग्जैक्टली माइनिंग सेटिंग्स को चेक करने के लिए आपको एक वेबसाइट मैं बता रहा हूँ जो कि hashrate.no करके है। hashrate.no पे आपको जाना है, वहाँ पे आप अपना GPU को सर्च कीजिए, GPU 3060 जो भी आपका GPU है वहाँ पे सर्च कीजिए। वहाँ पे आपको आपके ग्राफिक कार्ड की सेटिंग्स मिल जाएंगी, कोर क्लॉक की सेटिंग्स मिल जाएंगी और मेमोरी क्लॉक की वहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी। और माइनर के हिसाब से भी वहाँ पे आप अपनी सेटिंग्स को अप्लाई कर सकते हो मशीन के ऊपर। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपडेट करते हैं कि हमने 9S के ऊपर दोबारा से कितने BTC टोटल रिग ने अर्न करे हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ याद से आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर, थोड़ा सा जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए। और दूसरी चीज़ है कि लाइक करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर लीजिए। और अगर आपको सेटअप पसंद आता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन कर देना। थैंक यू।